दोस्तों संजय राउत और सीएम एकनाथ शिंदे दोनों ही महाराष्ट्र के सबसे दिग्गज नेता माने जाते हैं और एकनाथ शिंदे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और संजय राउत शिवसेना पार्टी से सांसद हैं। लेकिन कारों के मामले में किसके पास सबसे महंगी कार है, इसी पर बात करेंगे। तो वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। सबसे पहले संजय राउत की कार पर नजर डालते हैं। नंबर एक पर है टोयोटा फॉर्चूनर। यह तो ऑफ रोडिंग के लिए खास तौर पर बनाई गई है। 180 टॉप स्पीड है इसमें और साथ ही में 3000 सीसी का इंजन भी आता है। इस कार की इंडिया में कीमत 42 लाख रुपए है। नंबर दो पर है फोर्ड एंडेवर। यह कार भले ही इंडिया में अब नहीं बिकती है, लेकिन ये अपने टाइम की सबसे बेस्ट एसयूवी थी। इस कार में 180 की टॉप स्पीड देखने को मिलती है और 0-100 की रफ्तार मात्र 10.5 सेकंड में पकड़ लेती है और इस कार की कीमत 38 लाख रुपए है। नंबर तीन पर है टोयोटा इनोवा क्रिस्टा। यह तो इंडिया में फैमिली कार के तौर पर बहुत ही फेमस है। इसमें 2000 सीसी का डीजल इंजन आता है और 10 से 12 किलोमीटर का माइलेज भी दे देती है। इस कार की कीमत 24 लाख रुपए है। यह लॉन्ग ड्राइव के लिए सबसे तगड़ी एमयूवी कार है। चलिए अब सीएम एकनाथ शिंदे की कार्स पर नजर डालते हैं। नंबर एक पर है टोयोटा लैंड क्रूजर। यह टोयोटा की सबसे महंगी एसयूवी कार है। 4500 सीसी का डीजल इंजन भी आता है इस कार में, जो कि 385 की हॉर्स पावर जनरेट कर सकता है। इस कार की टॉप स्पीड 200 किलोमीटर पर आर है और इसकी कीमत 1,30,00,000 रुपए है। नंबर दो पर है मर्सिडीज बेंज GS350D। इस कार को नेता हो या अभिनेता सभी पसंद करते हैं। 3 लीटर V6 डीजल इंजन के साथ आती है और इस कार की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आर है और इस कार की इंडियन मार्केट में कीमत 95 लाख रुपए है। नंबर तीन पर है लेक्सस LX570। यह तो एक इम्पोर्टेड कार है। 5.7 लीटर V8 डीजल इंजन के साथ आती है और इस कार की टॉप रफ्तार 200 किलोमीटर पर आर है और इस कार की इंडिया में कीमत 2,50,00,000 रुपए है। इनके पास एक फोर्ड एंडेवर भी है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। दोस्तों, यह था सीएम एकनाथ शिंदे और संजय राउत का कार कलेक्शन। आपको कैसा लगा? और आप चाहे तो ये दो वीडियोस भी जरूर से देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।